सवर्ण सेना ने घेरा सांसद जनार्दन मिश्रा का घेरा। सांसद पहले रहे निरुत्तर, फिर झटके से निकल गया, जरूरत पड़ी तो करूंगा विरोध। सुबह सुबह सवर्ण सेना के 3 दर्जन पदाधिकारियों ने सांसद जनार्दन मिश्र का घर घेर कर नारेबाजी की। लगभग 15-20 मिनट बाद सांसद जनार्दन मिश्र घर से बाहर निकले और सवर्ण सेना के पदाधिकारियों से बात की। सभी लोग SC ST एक्ट का विरोध करने की बात कह रहे थे तथा आरोप लगा रहे थे कि सवर्ण होने के नाते आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। इस दौरान श्री मिश्र ने कहा कि इस मामले में एक समिति बनी है और उस बैठक में जरूरत पड़ी तो विरोध करूंगा। इस बीच सवर्ण सेना ने सीधे शब्दों में कहा कि आगामी चुनाव में सवर्ण के घर भाजपा के लोग वोट मांगने ना जाएं। आइए सुनते हैं सांसद के घर के सामने किसने क्या बोला। संशोधन के लिए मैं चाहता हूं कि लोग आए बैठें जी, और ये कानून भी बना रहे जी, और जो असुरक्षा की भावना है वो असुरक्षा की भावना हटे। धन्यवाद सांसद महोदय, कम से कम आप ये माने तो आपके मुंह से निकला काला पानी। आप सांसद जी, आपके मुंह से निकला काला कानून, यही हम चाहते हैं कि आप इस काले कानून के खिलाफ बात करें। इस काले कानून के खिलाफ, बिल्कुल इस काले कानून के खिलाफ जिसे आप मान रहे हैं, मेरी ये आग्रह है मेरा, आप बुजुर्गों के साथ आप भी बैठिए। मैं इस बारे में अभी अपने नौजवान साथी आए थे, मैंने उनसे कहा है कि बैठिए, उसमें समाज शास्त्र, समाज के बारे में जानने वाले लोग हों, वकील लोग हों, नौजवान भी बैठें, मैं भी बैठूं, और कोई न कोई एक रास्ता निकाला जाए जिसमें जो सवर्णों के मन में आशंका है, डर है, उस डर को कैसे दूर किया जाए। जो इतनी बात हमने उनसे वादा किया है और उनका जो निर्णय, उनके साथ बैठूंगा, समर्थन में न विरोध में। मैं ये चाहता हूं कि सब लोग बैठें और बैठ करके कोई न कोई रास्ता निकालें कि ये असुरक्षा की जो भावना सवर्णों में है उसको किस तरह से दूर की जा सकती है। इसमें समाजशास्त्री आएँ, बुजुर्ग लोग आएँ, वकील, अच्छे जानकार वकील आएँ, मैं भी बैठूँ, और जो उसमें निर्णय हो उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। क्या आप आरक्षण के खिलाफ में पक्ष में? मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। हरिजन एक्ट, SC ST एक्ट में जो एक डर की भावना हुई है उसको, डर को कैसे दूर किया जाए, उसके रास्ते के पक्ष में हूँ।